अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार विद्यालय शिक्षकों को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, ऑनलाइन अटेंडेंस बंद। यह अपडेट क्या है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। नीतीश कुमार को योगी आदित्यनाथ से कुछ सीख लेनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी बिहार में ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर लगातार मांग पे मांग चल रही है कि जल्द से जल्द ऑनलाइन अटेंडेंस बंद किया जाए। बट अभी तक नीतीश कुमार ने कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया। अगर मैं बात यूपी की करूं तो यूपी में भी योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन अटेंडेंस को जारी किया और बताया कि सभी यूपी के शिक्षक को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना होगा। उसके बाद अखिलेश यादव ने फौरन ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षकों पर विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है, यानी कि ऑनलाइन अटेंडेंस का मतलब ये है कि सरकार को शिक्षक पर भरोसा नहीं है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने बाज़ाब्ते एक पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ में पूरा बताया कि अगर कोई शिक्षक टाइम से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई दिक्कत होगी, कोई उनके घर वाले या फिर कोई उनके रिश्तेदार परेशान होंगे, इसी वजह से शिक्षक टाइम से स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने आज फिर से ट्वीट किया और ट्वीट करके जानकारी दी, डिजिटल अटेंडेंस का आदेश योगी सरकार ने लिया वापस। बेसिक शिक्षा विभाग के 6 लाख टीचर कर रहे थे विरोध, अखिलेश ने भी किया था पर समर्थन। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन अटेंडेंस को हटा दिया, क्योंकि 6 लाख टीचर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ऑनलाइन अटेंडेंस को हटाया जाए। क्योंकि मैं आपको काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि ऑनलाइन अटेंडेंस से काफ़ी परेशानी हो रही है शिक्षक को, क्योंकि जिनका स्कूल शहर में है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी के साथ ई शिक्षा कोर्स के ज़रिए ऑनलाइन अटेंडेंस बना रहे हैं। बट जिन शिक्षक का स्कूल गाँव में या फिर जंगल में है, वहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, वो शिक्षक जो है हाजिरी यानी कि अटेंडेंस नहीं बनवा पा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने तो बड़ा एक्शन ले लिया, ऑनलाइन अटेंडेंस को हटा दिया। बट हमारे चीफ मिनिस्टर आदरणीय नीतीश कुमार जी अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे बिहार में 7 लाख टोटल शिक्षक है, 7 लाख शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना पड़ रहा है। लगातार शिक्षक मांग कर रहे हैं, लगातार शिक्षक कर रहे हैं कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है, हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं है, हमारी जो है ई शिक्षा कोर्स के ज़रिए अटेंडेंस नहीं बन पा रही है। बट अभी तक नीतीश कुमार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे, अगर आप यूपी के शिक्षकों की तरह बात को नहीं उठाएंगे, यूनिटी के साथ इकट्ठा होकर आप अपनी बात को सरकार पर नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आपको ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं लगातार इस टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ और लगातार मैं बात को उठा रहा हूँ, बट अभी तक मुझे किसी शिक्षक का ज़्यादा समर्थन नहीं मिला। हाँ, ज़रूर कुछ शिक्षक मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करते हैं और वीडियो के कमेंट्स में भी मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं और हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। जिस तरीके से यूपी में शिक्षकों को इंसाफ मिला, ऑनलाइन हटाकर ऑफलाइन यानी कि रजिस्टर के ज़रिए हाजिरी फिर से लागू कर दिया गया, बट अभी भी स्कूल यानी कि बिहार के स्कूल के शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस ही बना रहे हैं। तो आप अपने लड़ाई खुद लड़ें और आप सरकार पे बात रखें और लगातार मांग रखें, ताकि आपकी मांग
सरकार सुने और जल्द से जल्द ऑनलाइन अटेंडेंस को हटाए। अगर इस बीच और कोई अपडेट निकल कर आएगी मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। काफ़ी बड़ी अपडेट है यूपी के शिक्षकों के लिए कि ऑनलाइन अटेंडेंस को हटा दिया गया, बट अभी तक बिहार में ऑनलाइन अटेंडेंस जो है चल रहा है।